खेसारी लाल यादव के प्रति सिद्धार्थ शुक्ला की दुश्मनी की वजह क्या है, आपको आइए आज विस्तार से बताते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा कि 6 नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की घर में एंट्री होती है। जितने भी 6 नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे उसमें से अगर आप अरहान खान को छोड़ दें और खेसारी लाल यादव को छोड़ दें तो सब ने सिद्धार्थ शुक्ला से नज़दीकियाँ बनाई। और खेसारी लाल यादव ने सिद्धार्थ शुक्ला से नजदीकियां इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि पहली बार में किसी से भी इतना मेलजोल बढ़ा लेना सही नहीं होता है। एज अ घर के मेंबर के सही सिद्धार्थ शुक्ला को खेसारी लाल यादव कई बार हाय बाय करते नजर आए हैं, जिसकी पुष्टि आरती सिंह ने की है। जी हां, आरती सिंह और खेसारी लाल यादव की बात होती है लिविंग एरिया में। आरती सिंह सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में और खेसारी लाल यादव के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे बारे में उस ग्रुप में बहुत बातें होती हैं, उस ग्रुप यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के ग्रुप में बहुत बातें होती हैं, तुम्हें वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना तय है कि तुम्हारे बारे में लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। लेकिन मैं अकेली ऐसी इंसान हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, जिसने सिद्धार्थ शुक्ला से ये कहा कि मुझे वो बंदा अच्छा लगता है, यानी कि यहाँ पे आरती अब खेसारी की बात कर रही है कि मुझे वो बंदा अच्छा लगता है, उससे बात करने में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, मैं तो उससे बात करूंगी। लेकिन वहां से तुम्हारे प्रति निगेटिव ही बातें चलती हैं, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के ग्रुप में निगेटिव बातें ही चलती हैं। फिर आते हैं किन कारणों से, तो आइए आपको ये बताते हैं कि पहले तो भोजपुरिया स्टार्स जितने भी होते हैं उन्हें बहुत ही हेय दृष्टि से हर जगह देखा जाता है। क्यों आप ये जानते होंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने वाले जो हमारे स्टार हैं उन्होंने भोजपुरी की इमेज ही ऐसे लोगों के सामने रखी है कि सबको लगता है भोजपुरी में अगर बनती है तो बी से सी ग्रेड वाली मूवियां बनती हैं और कोई नहीं। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव के बारे में सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये एक भोजपुरिया स्टार है। उनकी ताकत यानी कि खेसारी लाल यादव की ताकत तो सिद्धार्थ शुक्ला ने तब देखी जब टास्क हुआ और फिर जब नॉमिनेशन की बारी आई, जब इवेक्शन की बारी आई तो सिद्धार्थ शुक्ला के ग्रुप में सभी को लगा था कि खेसारी लाल यादव या फिर माहिरा दो में से कोई एक जाएगा और सभी घर में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ इसका उल्टा कि सिद्धार्थ शुक्ला का सबसे बड़ा दुश्मन अरहान खान बाहर चला गया, तब सिद्धार्थ शुक्ला को कहीं जाके रियलाइज हुआ कि ये खेसारी की फैन फॉलोइंग है जिसने खेसारी को बनाए रखा है शो में। और तो और सिद्धार्थ शुक्ला ये जानते हैं कहीं ना कहीं कि खेसारी लाल यादव अभी खुलकर नहीं खेल रहे हैं, जिस दिन वो खुलकर खेलेंगे उस दिन ये घर के एक बहुत बड़े इंटरटेनर के रूप में साबित होंगे, और यहीं पर खेसारी लाल यादव का माइनस पॉइंट हो जा रहा है क्योंकि वो कभी इस माहौल में यानी बैक बिचिंग और जिस तरह का माहौल घर में चलता है, फ्लिप वाला माहौल चलता है कि वो कहीं भी कोई भी कंटेस्टेंट किसी के साथ भी फ्लिप हो सकता है, कहीं इधर की बातें उधर कर सकता है, ये सारा मसला खेसारी लाल यादव के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर कोई जानता है कि शो में उसे कैसे बनाए रहना है सिवाय खेसारी लाल यादव के। उन्हें शो का फॉर्मेट समझ में अब धीरे धीरे आने लगा है, जिसके चलते अब सिद्धार्थ शुक्ला का नजरिया भी खेसारी के प्रति बदल रहा है। सिद्धार्थ कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि खेसारी अगर आए तो उनकी टीम में, क्योंकि टास्क के दौरान सिद्धार्थ ने देख लिया है कि खेसारी की ताकत क्या है, तो अब अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए वो चाह रहे हैं कि पारस की टीम से खेसारी सीधे सीधे सिद्धार्थ शुक्ला के टीम में आ जाए। तो अगर आप आज बिग बॉस का एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला खेसारी लाल यादव के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को ये लग रहा है कि आगे चलकर खेसारी अगर अभी इविक्ट हो गया तो ठीक है, आगे चलकर ये अच्छी खासी बैंड बजा सकता है सबकी। तो हो सकता है कि इस बार के नॉमिनेशन में खेसारी को नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि इसमें से दो सदस्यों को बचाना है। तो पारस ने बचाया है खेसारी लाल यादव को, सिर्फ पारस ही एक ऐसे हैं जिन्होंने खेसारी का नाम लिया है कि उन्हें बचाया जाए, और सभी ने अपने अपने दोस्तों को बचाया। अब यहाँ देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में खेसारी और सिद्धार्थ शुक्ला, जो सिद्धार्थ शुक्ला गेम खेल रहे हैं उसे खेसारी समझ पाते हैं या फिर नहीं समझते हैं।
वैसे देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कहीं खेसारी कुछ ऐसा मासूमियत भरा अंदाज लेकर शो को ले उड़े, यानी कि शो को जीत जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।